हाँ जी, तो क्या हाल है आप सबके? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। आप लोग घर पे ही होंगे, बाहर नहीं निकल रहे होंगे। कोई ज़रूरी काम हो तो ही आप बाहर निकलें, क्योंकि कोविड चल रहा है बहुत बुरी तरह से, और आपको पता ही है दिल्ली का क्या हाल है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ओप्पो कंपनी का मोबाइल, जो कि 5G होने वाला है, और ये अंडर दी 50,000 के अंदर आपको ये मिलने वाला है। और ये 5G मोबाइल है, और ये आपको दो वेरियंट में देखने के लिए मिल जाता है, एक 6/128 और एक 8/128। तो चलिए मैं आपको एक 6/128 के बारे में बताने जा रहा हूँ कि इसमें आपको क्या क्या फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं, आपको क्या क्या चीज़ इसके बॉक्स में देखने के लिए मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप इस बॉक्स को ओपन करोगे तो आपको एक केस देखने के लिए मिलेगा, और काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का आपको इसमें ये केस देखने के लिए मिलेगा, और डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा। देन आपको एक इसमें डाटा केबल मिलेगी, और एक चार्जर मिलेगा, और चार्जर जो है 10 वोल्ट का है, ज़्यादा हैवी नहीं है, बस 10 वोल्ट का इसमें चार्जर है, बस यही इसमें प्रॉब्लम है। तो चलिए अब बात करते हैं इस मोबाइल की डिस्प्ले की। तो आपको इस मोबाइल में 6.5 इंच की HD+ स्क्रीन की आपको इसमें डिस्प्ले देखने के लिए मिलने वाली है। तो आपकी बैटरी काफ़ी देर तक चलने वाली है, क्योंकि HD+ की स्क्रीन है, एमोलेड स्क्रीन नहीं है। और साइड में आपको पावर ऑन पावर ऑफ में ही फिंगरप्रिंट देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफ़ी फास्ट काम करता है। उसी के नीचे आपको वॉल्यूम का बटन देखने के लिए मिल जाता है, और दूसरी साइड आप जाओगे तो वहाँ पे आपको सिम के स्लॉट देखने के लिए मिलते हैं, और जिसमें आप 5G की दो सिम आप लगा सकते हो, और एक में आप SD कार्ड लगा सकते हो। और इसमें आप SD कार्ड को 1 TB तक एक्सपेंड कर सकते हो, मतलब 1 TB तक की आप इसमें SD कार्ड लगा सकते हो। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, अगर आप 1 TB का SD कार्ड किसी मार्केट से खरीदने जाओगे तो वही आएगा 15,000 तक का, और मोबाइल का प्राइस जो है वही 15,000 का है। तो चलिए ये सब चीज़ अलग रखते हैं। और हाँ, आपको नीचे की साइड इसमें देखने के लिए मिलता है स्पीकर, और एक हेडफोन जैक आपको देखने के लिए मिलता है, और एक चार्जर का आपको पोर्ट देखने के लिए मिलता है। और बात करते हैं इसके पीछे की साइड का, तो आप पीछे की साइड देख सकते हो कितनी अच्छी फिनिशिंग है, और इसमें जो ब्लू एंड सिल्वर का कुछ कॉम्बिनेशन है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और सबसे अच्छी बात तो ये लग रही है कि आप देख रहे हो, ये कैमरा मॉड्यूल के पास देखिए, ये 5G लिखा हुआ है, तो ये अलग ही रिफ्लेक्ट मार रहा है, और अलग ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही उभर के आ रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके कैमरे की, कि आपको इसमें कैमरे, रियर कैमरे आपको कौन कौन से देखने के लिए मिलते हैं। तो आपको इसमें 13+2+2, ये तीन कैमरे आपको देखने के लिए मिलते हैं। फ्रंट में आपको 8 MP का आपको कैमरा देखने के लिए मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया कैमरे हैं। देन आपको इसमें Android 11 का वर्जन आपको देखने के लिए मिलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इसमें देखने के लिए मिलता है, तो ये काफ़ी हद तक मुझे अच्छा लगा था। और इसकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बढ़िया होने वाली है, और कैमरे की क्वालिटी भी बहुत बढ़िया होने वाली है। और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये कुछ फोटोज़ हैं जो क्लिक किए गए हैं, और आप देख सकते हैं ये कुछ है। और बात करें इसमें आपको प्रोसेसर कौन सा देखने के लिए मिलने वाला है, तो आपको इसमें प्रोसेसर MT Dimensity 700 का आपको इसमें प्रोसेसर दिखने वाला है। तो प्रोसेसर जो है बहुत काफ़ी हैवी है, जिसमें आप गेमिंग बहुत अच्छी तरीके से करने वाले हो। देन इसमें आपको 5000 mAh की आपको बैटरी देखने के लिए मिलती है, तो 5000 mAh की बैटरी, और स्लिम ट्रिम मोबाइल है बट इसमें 5000 mAh की बैटरी है। अगर आप इसको यूज़ करोगे तो चलने वाला है 1.5 दिन तक, अगर आप रेगुलर यूज़ करोगे गेमिंग वगैरह में तो 1 दिन तो पूरा चलने ही वाला है। और बात करें इसके चार्जर की, तो चार्जर जो है 10 वोल्ट का है, तो बस इसी चीज़ से थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि चार्जर जो है 10 वोल्ट का कम से कम होना चाहिए था यार, 18, 30, 40 वोल्ट का तो होना ही चाहिए था। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और इस मोबाइल का जो प्राइस है वो है 15,000, तो आप अमेजोन से चेक कर सकते हैं या फ्लिपकार्ट से, तो आपको 15,000 का ये आपको मिलने वाला है मोबाइल। और अगर आपको ये चेक भी करना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ जाके एक बार इसको चेक ज़रूर करना। अगर आप कोई भी मोबाइल सर्च कर रहे हैं अभी के टाइम पर, तो ये 5G मोबाइल आपके लिए मैं सजेस्ट करूँगा, जो कि बहुत बढ़िया होने वाला है, तो एक बार आप चेक ज़रूर करना। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में और एक नए मोबाइल के साथ।